स्टूडेंट्स वेलकम टू साईशरण एजुकेशन। आज आम शतकड़ार विभिन्न जटिल गणित गुड़ को आलोचना करवा बहुत सहज उपाय सरल भाव आम आलोचना करवा। तुम्हें निश्चित भाव में यह गणित गुड़ को भल भाव बुझिपार। तुम्हें यह भिडटी को आरंभ शेष पर्यंत देख, निश्चित तुम्हें उपकृत हो। यही गणित गुड़िक विभिन्न एंट्रान्स टेस्ट विभिन्न चाकरी क्षेत्र में इंटरव्यू गुड़िकरें पढ़ुची, तेणुक गणित गुड़ को मन रखित तुम्हें जेकोसी समय यही गणित टाइप गणित आसिले फेस कर तार उत्तर बाहर करदे पार। आम सहजरे ये गणित गुड़ किपर समाधान करवा तार उपाय ये बाहर करवा। देख प्रथम गणित टी लक्ष्य कर, जे बैगण दर 20% कमीगला, बैगण खर्च केते शतकड़ा बढ़ाई देले पूर्व खर्च अक्षुण्ण रहइबो। ता अर्थ बैगण दर गोटे स्थिर होइछि, से दरु से कौन होइछि ना कमी जाइछि, तार दरटा 20% कमी जाइछि। आमे जदि केते शतकड़ा आम खर्चटा बढ़ाई देले आमर पूर्व खर्च अक्षुण्ण रहइबो। ता अर्थ आम बैगण रेट जदि 50 टका अच्छी, जदि 20% 10 टका कमी जाइछि, आमे केते शतकड़ा पुनी आम खर्चटा बढ़ाई देले पूर्व खर्च अक्षुण्ण रहइबो, माने आमे सेही 50 टका रे जिनस किणवा मैंने केत शतकड़ा आमको बढ़ेवा पड़ो आम खर्च को सही से यही कथा पचार आउ थे मुझे लक्ष्य कर। धर जाऊ बैगण दर 50 टका अच्छी, तार 20% कमी जा 50 रो 20% अर्थ 10 टका कमी जाने 10 टका जेहेतु कमी जामर खर्चा को आमर से बैगणटा कौन 10 टका जो कमी जाए तार रेट हो जाए 40 टका। आम खर्चा को बढ़े पूर्व खर्च अक्षुण्ण रोक आम पूर्व 50 टका दे किणुले आम खर्चा बर्तमान 40 टका आमर से 40 रु 50 को जो बढ़ेगा से शतकड़ा के बढ़ेगा जहाँ फिर आम पूर्व खर्च अक्षुण्ण रोक मैंने से 50 टकर आम किणवा मैंने शतकड़ा के बढ़ा गणित आम आगु कर पूर्व डिस्कसन कर। देख 40 50 रु 10 कमी जाइए अर्थ 40 हो जाए तेरे 50 रु 10 कमिला जो कम है सीटा है शतकड़ा के 20% कमी जाइए कि 40 रु आम पुणी 10 टका से बढ़ेगा आम खर्च पूर्व खर्च अनुसार खर्च करने को कौन करवा 10 टका आमको बढ़ेवा पड़ो तेरे से 10 टका शतकड़ा के 10 टका क्या ठीक बढ़ुची ना 40 रु 10 बढ़ो तेणुक कौन हम ना शतकड़ा बाहर कला बेले 10 विभक्त 40 × 100 से 10 टा के शतकड़ा सीधा आम बाहर करदे। ये तो आम बैगण दाम किसी जानी ना, तेणु प्रथम आम कौन करवा बैगण गोटे दाम आम स्थिर करवा। शतकड़ा जेहेतु गणित कर तेणुक बैगण दामटा को आम 100 टका धरवा। तेल बैगण दाम ये लिखा बैगण दाम बैगण दर ये दर दे दर लिखा दर को 100 टका धरा जाऊ से कौन हो 20% कमी जाने बैगण दर कौन हो 20% कमी जाने 100 रु 20% लक्ष्य कर 100 रु 20% आगु पी आम आलोचना करते 100 रु जेकोसी शतकड़ा गोटे आलोचना करवा 100 रु जेकोसी शतकड़ा बाहर करवा से ही संख्याटी हम 100 रु 50% सामान 50 हम 100 रु 15% सामान 15 हम 100 रु 20% सामान 20 हम तेना 100 रु 20% देख केमी हूँ 100 × 20 = 100 ये 100 100 100 द्वारा भाग हो कत 20 20 टका तेनाली बैगण खर्चा के कमी जाइए ना 20 टका कमी जाए बैगण रेट के 100 × 20 सामान 80 टका देख 80 टका बैगण हो जाए सी कही आम 100 टकर बैगण किणुले 100 टकर जब बैगण किणुले आम से 100 टकर किणवा कि पूर्व खर्च अक्षुण्ण रहा मैंने 100 टकर किणवा तेज आम खर्चा के बढ़ेगा बैगण खर्च के शतकड़ा बढ़ेदे आम खर्चा के बढ़ेदे 80 टकर 100 को पुणि थे जीवा तेज के बढ़ेगा तेरे यदि 80 रु 100 को जीवन के बढ़ो ना 20 बढ़ो सीटा शतकड़ा के बढ़ो देख लक्ष्य कर आम खर्च को बढ़ेगा के खर्च बढ़ावा पूर्व खर्च आम हूँ कत 100 टका तेरे खर्च को बढ़ावा के सामान 100 × 80 सामान 20 टका पुणी खर्चा को आम कौन करवा 20 टका बढ़ेवा पड़ो पूर्व खर्च आम करवाकूम खर्चा कौन करवाक पड़ो ना 20 टका बढ़ेवा पड़ो तेरे से ही 20 टका जो बढ़ेगा सहीटा शतकड़ा के बढ़ेगा आम जो 20 टका बढ़ेगा क्या ठार बढ़
ଆମର 80 ଥିଲା, ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଗଲା ପରେ କେତେ ହେଇଥିଲା ନା 80 ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ 80ରୁ ଆମେ ବଢ଼େଇବା 20 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ 80ରୁ 20 ଆମେ ବଢ଼େଇବା। 80ରୁ 20ର ଅର୍ଥ 20 ବିଭକ୍ତ 80, ତାକୁ ଯଦି ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା 20 ବିଭକ୍ତ 80, ସେଇଟା ଶତକଡ଼ାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା 100 ଗୁଣି ଦେବା, ତାହେଲେ ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େଇବା ଆମେ କେତେ 20 ଟଙ୍କା, ତ ଶତକଡ଼ା ବଢ଼େଇବା କେତେ, ସେଇଟା ଶତକଡ଼ା ବଢ଼ିବ ସମାନ, ଦେଖ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ କଲେ 80ରୁ ଆମର 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଲେଖିଲେ କେତେ ହେବ 20 ବିଭକ୍ତ 80, ତାକୁ ଆମେ ଶତକଡ଼ାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେ ପଚାରୁଛି ଶତକଡ଼ା କେତେ ବଢ଼ିବ, ଶତକଡ଼ାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେତେ ହେବ ନା ଗୁଣନ 100, ତାହେଲେ ଲେଖ କର ଇଏ 20 80 କାହା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ନା 20 ଦ୍ୱାରା, 20କୁ 20 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେଲେ 1, 80କୁ 20 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେଲେ 4, ତାପରେ 4 ଆଉ 100, ଇଏ 2ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଇଯିବ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଇଯିବ, 4କୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେଲେ 1, 100କୁ 100 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ନା 100କୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେଲେ 25, ସମାନ ହେଇଗଲା କେତେ 25 ଶତକଡ଼ା। ତେବେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କେତେ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 25 ଶତକଡ଼ା ବଢ଼େଇଲେ ଆମର ପୂର୍ବ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ସେଇ ପୂର୍ବ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କରିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ତ କେମିତି ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗତ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଗଣିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଗଣିତ ଏଇଭଳି ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁଛି, ସବୁବେଳେ ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ଏଇଭଳି ଗଣିତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ। ତ ତା ପର ଗଣିତଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆଳୁ ଦର 33.1 3 ଶତକଡ଼ା ବଢ଼ିଗଲା, ଆଳୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଶତକଡ଼ା କେତେ କମାଇଲେ ପୂର୍ବ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆମର ଆଳୁ ଦରଟା 33.1 3 ଶତକଡ଼ା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଦେଖ ତା ପୂର୍ବ ଗଣିତ ସହିତ ଆକୁ ଲିଙ୍କ କର, ସେଠି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଦରଟା କମିଯାଇଥିଲା, ଆମେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ବଢ଼େଇଲେ ତାର ବାହାର କରିଥିଲେ, ଠିକ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଠି ଦରଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆମେ କେତେ ଶତକଡ଼ା କମ୍ କଲେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଳୁ ଦର ତ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆଳୁ ଦରକୁ 100 ଟଙ୍କା ଧରାଯାଉ, ଠିକ ସେଇ ଏକାଭଳି କରିବା ଆଳୁ ଦରକୁ 100 ଟଙ୍କା ଧରାଯାଉ। ଦେଖ ଆମର ଆଳୁ ଦରଟା ଥିଲା କେତେ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 33.1 3 ଶତକଡ଼ା ବଢ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ବଢ଼ିଗଲା କେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ବଢ଼ିଗଲା ସମାନ 33.1 3 ଶତକଡ଼ା, ସେଇଟା କାହାର 33.1 3 ଶତକଡ଼ା ନା ସେ ଆଳୁ ଦରର 33.1 3 ଶତକଡ଼ା। ତମେ ଜାଣେ ଜାଣିଛ ଯେ 100ର 5 ଶତକଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ 5, 100ର 15 ଶତକଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ 15, ସେମିତି 100ର 33.1 3 ଶତକଡ଼ା ମାନେ କେତେ, ସେଇ 33.1 3 ହବ ଟଙ୍କା, ସେଇ 33.1 3 ଟଙ୍କା ହବ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା 100 ଗୁଣନ, ଆମେ ଶତକଡ଼ାଟା ବାହାର କରିବା 33.1 3 ବିଭକ୍ତ 100, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯାଏ, ତମେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 100 ଗୁଣନ 33.1 3, ଆକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶଟା ଆକୁ ଅପକୃତ କଲେ କେତେ ହବ 33.3 99 99 100 ବିଭକ୍ତ 3, 100 ବିଭକ୍ତ 3 ବିଭକ୍ତ 100 ବା ହରଣ 100, ଦେଖ ହରଣ 100, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ 100 ଗୁଣନ 100 ବିଭକ୍ତ 3 ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତ 100, ହରଣ 100ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ତାର ବ୍ୟୁତକ୍ରମ ଲେଖାଯିବ 100ର ବ୍ୟୁତକ୍ରମ 1 ବିଭକ୍ତ 100, ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ 100 ଏସବୁ କଟିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା କିଏ ଉପରେ 100, ତଳେ ରହିଲା 3, ତାହେଲେ 100 ବିଭକ୍ତ 3, 100 ବିଭକ୍ତ 3ଟା ସମାନ କେତେ 33.1 ବିଭକ୍ତ 3 ଟଙ୍କା, ଏତିକି ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆଳୁ ଦର କେତେ ହେଲା, ଦେଖ ଆଳୁ ଦର ହେଲା କେତେ, ଆଳୁ ଦର ହେଲା ଆମର 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଇଏ 33.1 3 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତାହେଲେ 100 ମିଶାଣ 33.1 ବିଭକ୍ତ 3, ଦେଖ 100 ମିଶାଣ 33.1 3 କେମିତି ମିଶେଇବା, ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 2ଟାକୁ ଆମେ ମିଶେଇଦେବା, ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଇଏ ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 2ଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଏଇ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟା 33, ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟା 100, ଏଇ 2ଟା ମିଶେଇଦେଲେ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଥିଲା ସେଇ ଭଗ୍ନାଂଶଟି ରହିବ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 100ରେ 33 ମିଶେଇଦେଲେ 100 33.1 ବିଭକ୍ତ 3 ଟଙ୍କା, ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ରେଟ୍, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କେତେ କମ୍ କରିବା, ସେ ପଚାରୁଛି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା
कम कर प्रथम बाहर करवा कौन के कम करने को पड़ो पूर्व खर्च क्षुण पूर्व खर्चा के शहे टाँचा से प्रथम थी आलु दरटा से शहे टाक आसवाक आम के खर्च कम करने को पड़ो ताने खर्च कम करने को पड़ो सामान के शहे तेतीस पूर्ण एक तो तीन फेराण शहे सामान लक्ष्य कर ये तेतीस पूर्ण एक व्यक्त तीन टाँचा आम खर्च कम करने को पड़ो कते तेतीस पूर्ण एक तो तीन टाँह खर्च कम करने को पड़ो देख आम खर्च कम कले के ना तेतीस पूर्ण एक तो तीन टाँह खर्च कम कले जो खर्चा कम कले शतकड़ा केम कले आमको देखा पड़ो बाहर करवाक पड़ो मैंने कौटू कम हो लक्ष्य कर कौट को ये तेतीस पूर्ण एक तो तीन टा कौट कम कराई ना शहे तेतीस पूर्ण एक तो तीन रु कम होहे तेतीस पूर्ण एक तो तीन रु तेतीस पूर्ण एक तो तीन कम कराई जदि ताको भग्नांश प्रकाश करवा कौन जमी अशी रु पाँच पाँच व्यक्त अशी सेमती शहे तेतीस पूर्ण एक तो तीन रु तेतीस पूर्ण एक तो तीन तार्थ तेतीस पूर्ण एक तो तीन विभक्त शहे तेतीस पूर्ण एक तो तीन टाक भग्नांश प्रकाश करदे ये हम तेतीस पूर्ण एक तो तीन विभक्त शहे तेतीस पूर्ण एक तो तीन ताको कौन करवा शतकड़े प्रकाश करवा शतकड़े प्रकाश करदे कौन हम ना गुणन करदे शहे सीटा आम कौन शतकड़ा कम कले आम लक्ष्य कर आम शतकड़ा कम करवा ये मुझे शतकड़ा कम करवा सामान के लक्ष्य कर आमर के तेतीस पूर्ण एक तो तीन ये कम करवा तेतीस पूर्ण एक तो तीन विभक्त काठ कम कर शहे तेतीस पूर्ण एक तो तीन शहे रु आम कम करना शहे रु बढ़ा जा शतकड़ा के कम कर आम कम करोटू शहे तेतीस पूर्ण एक तो तीन कम करेणुटा हम मूल जिनसा हम हर तेने शहे तेतीस पूर्ण एक तो तीन रु जेहेतु तेतीस पूर्ण एक तो तीन कम करें भग्नांश लिखले कौन हम तेतीस पूर्ण एक तो तीन विभक्त शहे तेतीस पूर्ण एक विभक्त तीन गुणन करदे शतकड़े जेहेतु प्रकाश कर गुणन करदे ये शहे लक्ष्य कर ये भग्नांश जो सरलकड़ा बाहर करवा आम ये गोटे जटिल भाई लगुच्छे ये गोटे मिश्र भग्नांश अच्छी जी तो लबर मिश्र भग्नांश तले हर मिश्र भग्नांश सी निजे गोटे गोटे भग्नांश से नहींक्री आहरी गोटे भग्नांश पुणी या तुम कष्ट किंतु बहुत सहजरे देख के बाहर कर प्रथम आम आपको अप्रकृत करदे देख अप्रकृत करदे के हम ना ये तेतीस तीन अनेशत एक शहे शहे विभक्त तीन होगा विभक्त लक्ष्य कर विभक्त शहे तेतीस पूर्ण एक तो तीन तेनाली शहे तेतीस तीन के शहे तेतीस तीन हम के शहे तीन तीन शह तेतीस तीन अनेशत केन शह अनेशत आए एक मिसा चार शह चार शह विभक्त तीन गुणन शहे ये टे लिभ पड़ो ये लिभ दौर ये कारण आगे गलत लिभ पड़ो ये लिभदे ये आपको समाधान करवा देख शहे विभक्त तीन विभक्त चार शह विभक्त तीन आम शहे विभक्त तीन विभक्त मान कौन हरण ये विभक्त कौन कर हरण करवा मैंने ये आपको लिखा शहे विभक्त तीन हरण चार शह विभक्त तीन ये विभक्तर अर्थ हरण जेहतु आम ये हरण करदे गुणन करवा शहे गुणन कले शहे मैंने ये समाधान करवा कमी ना शहे विभक्त तीन ये हरण अच्छे कौन हो गुणन होपर कौन आर व्युत्क्रम लिखा तीन विभक्त चार शह देख तापर गुणन शहे यू आम समाधान बाहर करदे देख तीन आए तीन कटिजी तीन 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 द्वारा भाग हो शहे लक्ष्य कर ये चार शह ये शहे द्वारा भाग हो शहे को शहे द्वारा भाग करदे चार शह शहे द्वारा भाग करदे चार चार आहे ये भाग हो द्वारा ना चार द्वारा चार को चार द्वारा भाग करदे एक शहे को चार द्वारा भाग करदे पचीस सामान के पचीस शतकड़ा मैंने आम खर्च को कैसे कम करने को पड़ो ना पचीस शतकड़ा आमको कम करने को पड़ो यही आमर उत्तर पे ये गणित बहुत समय पढ़ू देख ये तो मुझे क्रिटिकाल लगी पड़ता है ये समाधानटा को किंतु कितने सहजे आम करदे पार्टी उपाय को भल भाव तुम मैंने मन रखा से भाई आउ टे जटिल गणित आम करवा मो पाखे टंकार पचास शतकड़ा खर्च कली अवशिष्टर तेतीस पूर्ण एक शतकड़ा गोविंद को दे देख ली जे मो पाखे आई शह टा अच्छी
तेबे मो पाखरे प्रथमे केते टंका थिला से प्रश्न पचार मो पाखरे जेती टंका थिला तार 50 शतकड़ा मु खर्च कर देछि अवशिष्ट आउ जेती थिला तार अवशिष्ट रो जेती आउ जेती बहकी थिला मो पाखरे टंका तार 33.3 शतकड़ा मु गोविंद को दे देली तापरे मो पाखरे आउ 200 टंका रहिछि तेबे प्रथमे मो पाखरे केते टंका थिला देखो यदि से देइजी जो गुड़ा खर्च करजी से गुड़ा शतकड़ा अच्छी तेणुक आम प्रथम आम चिंता करवा जे मो पाखे जो टाटा प्रथम थिला बा आम पाखे जो टाटा प्रथम थिला सेटा केते परिवा जो मूल जिनसा मूल परिमाणटा को आम जानते 100 शतकड़ा दिखती तेणुक ये मूल परिमाण मो पाखे जो प्रथम जो टाटा थी सीटा है 100 शतकड़ा आम धरिया पड़ो देख के सुविधा आम गणित करदे देखकर मो पाखे टंका थिला मो पाखरे प्रथमे टंका थिला समान 100 शतकड़ा से कौन कला मो पाखरे थिबा टंकार 50 शतकड़ा खर्च कली 100 शतकड़ा रो 50 शतकड़ा बार करिबा आमे देख मो पाखरे थिबा टंकार मो पाखरे प्रथमे टंका थिला केते 100 शतकड़ा तले मु खर्च कली समान 50 शतकड़ा ये टंकार 50 शतकड़ा तेल 100 शतकड़ा रो 50 शतकड़ा समान 100 शतकड़ा गुणन 50 विभक्त 100 ये 100 100 ये कटिगला ये शतकड़ा समान है आ रहा कहते 50 शतकड़ा ये 50 शतकड़ा 100 शतकड़ा रो 50 शतकड़ा मान से 50 शतकड़ा 100 शतकड़ार 25 शतकड़ा अर्थ से 25 शतकड़ा देख तेरे 50 शतकड़ा कौन खर्च कला आउ रहिला मो पाखरे केते आउ रहिला समान 100 शतकड़ा फेराण 50 शतकड़ा समान कते 50 शतकड़ा इटा हला आउ रहिला बा अवशिष्ट इटा कौन कहती इटा अवशिष्ट अवशिष्ट बोली प्रश्न दिया हिछ इटा हला अवशिष्ट आमर कौन 50 शतकड़ा रहिला 50 शतकड़ा खर्च कलापर आ 50 शतकड़ा रहा अवशिष्ट 33.3 शतकड़ा कौन है से गोविंद को दे गोविंद को मुझे देली अवशिष्ट तो आम के 50 शतकड़ा ये 50 शतकड़ार 33.3 शतकड़ा के बाहर करवा से कौन है आम गोविंद को देखने लक्ष्य कर आम कौन है गोविंद को दे गोविंद को देली अवशिष्ट 33.3 शतकड़ा अवशिष्ट के 50 शतकड़ा तार 33.3 शतकड़ा 33.1 विभक्त 3 विभक्त 100 33.3 शतकड़ा मान कौन 33.3 विभक्त 100 तेनालीरु समाधान कर 50 शतकड़ा गुणन यहाँ 33.1 है के 100 विभक्त 3 विभक्त 100 बाहरण 100 ये समाधान कर 50 शतकड़ा गुणन 100 विभक्त 3 गुणन के 1 विभक्त 100 लक्ष मैंने कौन है आमर इटा के बाहर 100 को 100 कटिजी कटिगला आ रहा के 50 विभक्त 3 शतकड़ा कदे ना 50 विभक्त 3 शतकड़ा 50 विभक्त 3 शतकड़ा मान कहते आम मिश्र भग्नांश प्रकाश करदे 3 के 3 पड़ो 5 रु 3 होगा 2 तापर रहा 0 तापर 318 318 18 आ रहा कत 2 बढ़ला ते दुईटा हम कहते लब विभक्त 3 एति शतकड़ा एति शतकड़ा तेना जो 100 शतकड़ार एति शतकड़ा आम दे कौन गोविंद को कहते गोविंद को देते शतकड़ा एवल टकर 16.2 विभक्त 3 शतकड़ा आम गोविंद को दे तुम जी कह तो देते कटे ना 33.1 शतकड़ा दिखाई कमी बाहर 16.2 विभक्त 3 शतकड़ा ना सी दे कौन अवशिष्ट 33.1 शतकड़ा देते कि 100 जो मूल टकर
ଏ ମୂଳଟାକୁ ଆମେ ନେଇଥିଲେ କେତେ 100 ଶତକଡ଼ା, ତାର 33.3% ଆମେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଅବଶିଷ୍ଟର 33.3% ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅବଶିଷ୍ଟଟା କେତେ ଆମର ଏଇଠି 50 ବାହାରିଥିଲା, 50 ଶତକଡ଼ା ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା। ତା ଏଇ ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟର 33.3% ଏଇଠି ବାହାରିଲା କେତେ 16.3%। କାରଣ ଅବଶିଷ୍ଟରୁ ଏଇ ଅବଶିଷ୍ଟଟା ଥିଲା କେତେ 50 ଶତକଡ଼ା, ସେଇଠୁ 16.3% ଆମେ ଫେଡ଼ିଦେନେ ଆମର ଆମ ପାଖରେ ମୂଳରେ ଆଉ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଟଙ୍କା ରହିଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ରହିଲା, ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ରହିଲା ସମାନ କେତେ ନା 50 ଶତକଡ଼ା। 50 ଶତକଡ଼ାରୁ ସେ ଦେଇଛି ଫେଡ଼ାଣ 16.3%। ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ସମାନ କେତେ ହବ, 50 ରୁ 16.3% ଆମେ ଫେଡ଼ିବା। କେମିତି ତାକୁ ସହଜରେ ଫେଡ଼ିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 50 କୁ କ'ଣ କରିବା, 85 ମିଶାଣ 1 କରିଦେବା। ତାପରେ ଆକୁ 16 ଫେଡ଼ାଣ କରିବା, କ'ଣ ଇଏ 50 କୁ କ'ଣ କଲେ ନା 85 ମିଶାଣ 1 କରିଦେଲେ, 16 କୁ କ'ଣ କରିବା ନା 16 ମିଶାଣ 2/3 କରିଦେବା। ଦେଖ ତାହେଲେ ଏ 50 ରୁ 16 ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ି ଦେଇପାରିବା, 50 ରୁ 16 ଫେଡ଼ି ଦେଇପାରିବା, ଆଉ ରହିବ କେତେ 33। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, 1 ରୁ 2/3 ଫେଡ଼ିଦେବା, 1 ରୁ 2/3 ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହବ, 1 ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଥିରୁ କ'ଣ କରିବା 3/2 ନେଇଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ରହିବ 3/1 ରହିବ, ତାହେଲେ 1/3 ଏତିକି ହେଲା ଆମର ଶତକଡ଼ା, ଆଉ ରହିଲା 33.3% ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ନା 200 ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ 200 ଟଙ୍କାଟା 33.3% ସହିତ ସମାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ 200 ଟଙ୍କା। 33.3% ଯୋଉ ବହକିଲା ଆମ ପାଖରେ ଶେଷରେ ପଇସା, ସେଇଟା ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି 200 ଟଙ୍କା ହୁଏ, 33.3% ସମାନ 200 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 1 ଶତକଡ଼ା ବାହାର କରିକି ଆମେ 100 ଶତକଡ଼ାକୁ ଯାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି 1 ଶତକଡ଼ାଟା କେତେ ହବ, ମାନେ 1 ଶତକଡ଼ା ସମାନ କେତେ ହବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ 200 ସହିତ ଯାଇକି ହରଣ ହବ, 5 ଶତକଡ଼ା ସମାନ 25 ହେଲେ 1 ଶତକଡ଼ା 25/5 ହେଉଛି। ସେମିତି 33.3% ଯଦି 200 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ତାହେଲେ 1 ଶତକଡ଼ାଟା କେତେ ହବ, 200 ହରଣ 33.3, ତାହେଲେ 200 / 33.3 ଏତିକି ହବ। ତାହେଲେ 100 ଶତକଡ଼ା ଏଇଠି ବାହାର କରିବା ସମାନ, 100 ଶତକଡ଼ା କେତେ, 100 ଶତକଡ଼ା ସମାନ ଦେଖ 200 / 33.3 × 100, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ଆମର 100 ଶତକଡ଼ା ମୂଳ ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଥିଲା ସେଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଠୁ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆଣି ଆସୁଛି 200 / 33.3, 200 / 33.3 ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଆକୁ ଯଦି ଅପ୍ରକୃତ କରିଦିଆଯାଏ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ 100/3 × 100, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଥିଲା 200, ଏଇଟା ହରଣ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଆମେ ହରଣ କରିଦେବା, ହରଣ କରିଦେବା, ହରଣ 100/3 × 100 ଏମିତି ହବ। ଏଇଠି ତାକୁ ଆଣିକି କରୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 200, ଏଇଟା ହରଣଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଠି ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ 3/100 × 100। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଏ 100 ଆଉ ଇଏ 200 କଟିଯିବେ ହରରେ, ତାହେଲେ କେତେ ହବ ନା 100 ଆଉ 200 କଟିବନି, ଏଠି ହେଲା 2, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 2 × 3 = 6, ଇଏ ହେଲା 100 × 9 = 600। ମୂଳରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ନା 600 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା 600 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଗଣିତ ଟିକେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାକୁ ସହଜରେ ପୁରା ବୁଝାଯାଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିବ, କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ନାହିଁ। କେମିତି କରାହେଇଛି ଏ ଟିକେ ଯେଉଁ ସରଳକର ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ କରାହେଇଛି ତାକୁ ତୁମମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ କ୍ଲିଅର ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏଇ ଶତକଡ଼ାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଏତିକିରେ ରଖୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆହୁରି ଜଟିଳ ଜଟିଳ ଗଣିତ ନେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଯେଉଁ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବ ସେଭଳି ଗଣିତ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗଣିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଏଇଭଳି ଗଣିତ ଟ୍ରିକ୍ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଇ ଶରଣ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏତିକିରେ ରଖୁଛି।
नमस्कार।